पैकिंग आपको कुछ इस टाइप की मिल जाती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग में पैकिंग भी है आपकी। सपोर्ट के लिए आपके यहाँ फॉर्म है, यहाँ भी आपकी फॉर्म है। ये आपको इसका यूजर मैनुअल मिल जाता है, कैसे आपको यूज करना है, कौन सा अटैचमेंट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना, तो आप देख करके यूज कर सकते हैं। और ये तो पता नहीं क्या है क्योंकि चाइनीज में लिखा हुआ है और चाइनीज मुझे आती नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको आती हो तो आप पढ़ लेना, इसको हम साइड करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको अटैचमेंट मिल जाती है, चार स्टील वाले मिल जाते हैं और पांच आपको शायद पीवीसी के होते हैं, पीवीसी के मिल जाते हैं। और एक अटैचमेंट आपकी इसमें भी लगी हुई है मशीन में। चलिए हम मशीन को सबसे पहले निकालते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिलिका जेल की पैकिंग दी हुई है कि कहीं सीलन वगैरह ना हो। ये आपको रबड़ मिल जाते हैं अटैचमेंट के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर कोई रबड़ खराब हो जा रही है तो आप चेंज कर सकते हैं। ये और भी है यहाँ पे दिए हुए बुश के साथ साथ, जैसे कि इस पर आप देख रहे हैं ये रबड़ लगी हुई है, ये भी लगी हुई है तो इसमें दी हुई है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपका खराब हो जाता है तो। चलिए हम मशीन के इधर आते हैं, मशीन को कैसे यूज करनी है आपको। तो दोस्तों मशीन कुछ आपको इस टाइप की मिल जाती है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मिल जाती है आपको। आपको जो 350 है और जो 750 है उससे हैवी मिल जाती है, देखने में भी आपको हैवी लगेगी और इसमें थोड़ा सा वजन भी है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। इसकी वायर आप देख सकते हैं काफी लंबी दी हुई है, अगर आप पेशेंट कम से कम 2-3 मीटर की दूरी पे भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो दोस्तों बस आपको एक छोटी सी दिक्कत होने वाली है कि आपको एक इसका सॉकेट लेना पड़ेगा बोर्ड से अटैच करने के लिए, क्योंकि हमारा ये इंडियन सॉकेट जो होता है गोल होता है, ये हमें चौकोर दिया गया है कुछ इस टाइप का। तो अब आपको बिजली की दुकान से एक सॉकेट लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मैन सॉकेट में लगाता हूं। तो दोस्तों मैंने मैन बोर्ड में लगा दिया है मशीन को, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम कोई भी एक अटैचमेंट ले लेते हैं, जैसे कि इसमें यही लगा हुआ था तो इसको हम ले लेंगे। तो इसको आराम से हमें प्रेस कर देना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एच का सिंबल है और प्लस और माइनस का सिंबल है, यहाँ स्टार्ट का है, तो इसको हम दबा के रखेंगे तो ये स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अब यहां से हम दबाएंगे तो 2 आ गया, ये 3 आ गया, फिर 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 पे चलाएंगे तो जो इसकी पावर है कम रहेगी, मतलब कि जो इसकी स्पीड है वो कम होगी। जब इसको 2 पे कर देंगे तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, 3 पे और तेज हो जाएगी। अब जैसे 3 की पावर हमें बढ़ानी है तो हमें 3 पे बढ़ानी है, तो हम ऐसे यहां से बढ़ा सकते हैं इसकी पावर, ये 13 तक जाएगी, ये देख पा रहे हैं आप 13 पे आ गई इसकी पावर। तो इसी तरीके से जितने भी इसमें मोड हैं 1, 2, 3 इस सब की पावर 13 पे जाएगी। तो चलिए हम 1 पे स्टार्ट करेंगे, पावर को हम 13 पे कर लेंगे, आप कम पे भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों कोई कहते हैं कि जैसे हम शॉर्ट मार रहे हैं तो शॉर्ट आ नहीं रहा है, तो इसमें एक दिक्कत आती होगी आपको कि जब भी आप किसी को शॉर्ट मारते हैं तो डायरेक्ट लगा देते हैं। पहले ये आपको पेशेंट की बॉडी पे अटैच करना है, यहां पे ग्रीन लाइट जल जाएगी, उसके बाद आपको बटन प्रेस करना है, फिर रेड जल गई, फिर आपको हटाना है, फिर बॉडी पे प्रेस करना है, फिर ग्रीन लाइट जल गई, फिर अभी दबाना है, कुछ इस तरीके से। तो चलिए हम दूसरा अटैचमेंट ले लेते हैं।
दोस्तों ये हमने दूसरा अटैचमेंट लगा दिया। अगर आपको कहीं भी शोल्डर पे, बैक पे, कहीं भी देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, इसको मैं दबा रहा हूँ, ग्रीन जल जा रही है, हटा रहा हूँ, रेड जल जा रही है, ग्रीन रेड। तो अब इसको हम चेंज करते हैं मोड को, टू कर दिया हमने, अब टू की स्पीड सेट कर लेंगे। टू की स्पीड हमने 13 पे कर ली, अब इसको हम दबाएंगे तो अब पावर कुछ ज्यादा ही और स्पीड बढ़ गई है। आप थोड़ा नोटिस भी कर पा रहे होंगे, स्पीड बढ़ गई है। तो चलिए अब मैं आपको तीसरा मोड दिखा देता हूं, इस पर और स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। ये तीसरा मोड हो गया और पावर इसकी 13 पे कर दी मैंने। आप जैसा देख पा रहे हैं स्पीड बढ़ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आपको गन यूज करनी है, आपको अटैचमेंट जो भी है लगाना आप लगा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेमो स्पाइन एडजस्टर गन का। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू।